जय हिंद दोस्तों, मैं हूं पंकज सिंह। क्लियर फिल्म्स एंड मेन चैनल पर आपका स्वागत है। और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एनवायरनमेंट का देखने जा रहे हैं। व्हाट आर हॉर्नेट्स? व्हाट आर हॉर्नेट्स? हॉर्नेट्स क्या है? तो देखा जाए, व्हाई इट इज़ इन द न्यूज़, ये न्यूज़ में क्यों है, व्हाई इट इज़ इन द न्यूज़। अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट स्टडी, अ स्पेसिस ऑफ हॉर्नेट दैट ऑफ्टन मंचेस ऑन फूड्स कंटेनिंग अल्कोहल कैन होल्ड इट्स लिकर। तो ये जो रिसेंट स्टडी ये बताता है कि स्पेसिस जो है हॉर्नेट जो है, जो कि आप देख रहे हैं काले पीले रंग का होता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये काला पीला रंग है हॉर्नेट्स का। ये जिसको हाड़ा ततैया लोग जनरली हिंदी में इस बात को कहते हैं। तो ये जो है इसकी स्टडी है स्पेसिस के लिए। और ये जो आवाज़ करते हुए मंचेज ऑन फूड, फूड खाता है मतलब चबड़ चबड़ खाता है जो भी है, वो मंच करते हुए आवाज़ करते हुए खाता है। तो मंचेस का मतलब है आवाज़ करते हुए फूड को खाता है जिसमें कि अल्कोहल है। कंटेनिंग अल्कोहल कैन होल्ड इट्स लिकर, तो जिसमें अल्कोहल का जो रहता है उसमें वो जनरली चबा चबा कर खाता है। विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स, विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स एट लेबल्स दैट नो अदर नन एनिमल कैन टॉलरेट। और इसके ऊपर कोई इसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है नहीं होता है, और एंड कोई दूसरा एनिमल ऐसी चीज़ को टॉलरेट नहीं कर सकता है। जो अल्कोहल आप देख रहे हैं कि जो कंटेनिंग अल्कोहल होता है उसमें भी चबड़ चबड़ ये खाते रहते हैं भाई साहब। अबाउट हॉर्नेट्स, हॉर्नेट्स आर अ टाइप ऑफ सोशल वास्प लिविंग इन लार्ज ऑर्गेनाइज्ड कॉलोनीज। आपने देखा होंगे जो हाड़ा, और ये एक प्रकार का सामाजिक हाड़ा बोला गया, एक प्रकार का वास्प है। और ये जहाँ पे भी रहते हैं बड़े नंबरों में रहते हैं और एक अपना कॉलोनी, अपना समाज तैयार करके रखते हैं ऑर्गेनाइज्ड। एंड दे कंसिस्ट ऑफ अराउंड 20 स्पेसिस प्राइमरीली फाउंड इन एशिया, एशिया में लगभग देखा जाए और बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा मिलता है वास्प देखा जाए, इसके टोटल 20 स्पेसिस हैं और यूरोप में ही मिलता है एंड अफ्रीका विद वन स्पेसिस इंट्रोड्यूस इन नॉर्थ अमेरिका। तो इसके 20 स्पेसिस देखे जा रहे हैं कहाँ पर, एशिया यूरोप एंड अफ्रीका में देखा जा रहे हैं। इसके अलावा एक स्पेसिस नॉर्थ अमेरिका में भी देखा गया है। हॉर्नेट्स बिलोंग टू द विस्पाइडे फैमिली विच इंक्लूड्स वेरियस वास्प स्पेसिस सच एज येल्लो जैकेट्स, पेपर वास्प। ये जो विस्पाइडे का मतलब ही होता है कि एक प्रकार का वास्प का फैमिली है, वास्प फैमिली जो अकेले भी रहना चाहते हैं। कुछ ऐसे वास्प होते हैं बहुत सारे स्पेसिस अकेले, तो हॉर्नेट बिलोंग्स टू द विस्पाइडे फैमिली और इट इंक्लूड्स वेरियस वास्प स्पेसिस। एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत सारे वास्प के स्पेसिस को ये इसके अंदर आता है। विच इंक्लूड्स वेरियस वास्प स्पेसिस सच एज येल्लो जैकेट और पेपर वास्प, मतलब एक पेपर वास्प भी होगा, पेपर टाइप का होगा शायद, और येल्लो जैकेट वाला भी वास्प इसके अंदर में लिया जाता है। तो ये हॉर्नेट्स फैमिली किसके किससे बिलोंग करते हैं, विस्पाइडे फैमिली से। हॉर्नेट किसके किस फैमिली से बिलोंग करता है, मतलब जो स्पेसिस हैं इस प्रकार के, विस्पाइडे फैमिली से। टिपिकली हॉर्नेट्स हैव ए कलरेशन ऑफ ब्लैक और ब्राउन विद येल्लो और येलोइश मार्किंग। तो जनरली विस्पाइडे जो सॉरी हॉर्नेट्स को देखा जाता है तो इसका जो कलर होता है येल्लो विद ब्राउन, ब्लैक और ब्राउन के साथ येल्लो कलर का मार्किंग रहता है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लैक और ब्राउन कलर रहेगा या ये रहेगा, ये डंक भी मारते हैं। ड्यू टू देयर साइज हॉर्नेट्स आर ऑफ्टन परसीव्ड एज मोर डेंजरस दैन अदर वास्प स्पेसिस ऑल्दो दे आर नॉट नेसेसरली मोर एग्रेसिव। ऐसा भी माना जाता है कि ये ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, ये डेंजरस होते हैं, डंक मार सकते हैं, लेकिन कहा जाए तो वो उतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होते हैं। दे रिलीज मोर वेनम पर स्टिंग दैन एनी अदर स्टिंगिंग इंसेक्ट। ये कहा जाता है कि इसके जो एक प्रकार के डंक, एक डंक में बहुत ज़्यादा वेनम मतलब विष छोड़ता है दूसरे इंसेक्ट की तुलना में। द नर्दर्न जायंट हॉर्नेट्स ऑल्सो नन एज द एशियन जायंट हॉर्नेट, एक नर्दर्न हॉर्नेट है जायंट हॉर्नेट है जिसको एशियन जायंट हॉर्नेट भी कहते हैं, इज रिकॉग्नाइज्ड एज द लार्जेस्ट वास्प स्पेसिस ग्लोबली। सबसे यदि बड़ा वास्प स्पेसिस बोला जाए तो उसको हम लोग कौन सा है, वो एशियन जायंट हॉर्नेट है। हॉर्नेट्स प्रिफर टू बिल्ड देयर नेस्ट इन द एलिवेटेड लोकेशन। ऊंचाई पर कोई भी ऊंची जगह हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे पहाड़ हो या पेड़ हो, तो वहाँ पर अपना वो नेस्ट, अपना घर तैयार करते हैं। इनकी डाइट्स क्या होती है हॉर्नेट्स वास्प की? हॉर्नेट्स हैव ए डाइवर्स डाइट प्राइमरीली कंसिस्टिंग ऑफ सुगर्स एंड प्रोटीन। पहले तो वो शुगर और प्रोटीन्स ज़्यादा इनको प्रेफर करते हैं,
They prey on various insects, including honeybees and other social wasps. तो उनके लिए जो शिकार जो होता है वो हनीबीज भी होते हैं, जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनको भी उनका शिकार करते हैं, और दूसरे छोटे दूसरे सोशल वास्प का भी शिकार करते हैं हॉर्नेट्स। हॉर्नेट्स च्यू देयर प्रे इनटू अ पेस्ट टू फ्यूड देयर लार्वा। और हॉर्नेट्स क्या करते हैं, अपने शिकार को चबा चबा के पेस्ट बना देते हैं, जिससे कि उनका लार्वा उसको यूज़ करके खा सके और नया बच्चा पैदा हो सके।